हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं आप सब बेहतर होंगे। फ्रेंड, जो सीरीज़ चल रही है उसमें एक और आपका EVS मॉक टेस्ट हम लोग करने वाले हैं। बाकी के आपके नंबर वाइज वीडियो चल रहे हैं, आपको चैनल पर मिल जाएंगे। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज का EVS मॉक टेस्ट। इसमें भी आपके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ऐसे क्वेश्चन जो आपके सीटेट के नज़रिए से बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और जब आप देखेंगे तो आप किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं ये भी समझ पाएंगे। पहला क्वेश्चन आपका है, पोचमपल्ली खूबसूरत डिज़ाइन के चमकदार रंगों की साड़ियों और विशेष प्रकार की बुनाई, जिसे भी पोचमपल्ली ही कहा जाता है, के लिए विख्यात है। अब पोचमपल्ली एक दोस्तों जगह है, ठीक है, वहाँ साड़ी और विशेष प्रकार की बुनाई होती है, उसे भी पोचमपल्ली ही कहते हैं, यानी कढ़ाई और साड़ियों की बुनाई को पोचमपल्ली कहते हैं। और पोचमपल्ली शहर भी है, गाँव टाइप का कस्बा है, के लिए विख्यात है। यह निम्नलिखित में से किसका भाग है, यह किस स्टेट का भाग है, ये आपको बताना है। NCERT में पोचमपल्ली आपका चैप्टर दिया गया है, तो उसमें से क्वेश्चन बना है, तो वो भाग किसका है दोस्तों, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल या तेलंगाना। तो इसका राइट जवाब, कितने लोग सोच रहे हैं दोस्तों, सोचिएगा क्या होगा, मैं आपको बताता हूँ। राइट जवाब इसका दोस्तों डी ऑप्शन, तेलंगाना हो जाएगा। नई बुक्स जो NCERT हैं उनमें दोस्तों अपडेट है आपका तेलंगाना, और लेकिन पहले ये आंध्र प्रदेश, पोचमपल्ली आंध्र प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन आप जानते हैं कि विभाजन हो गया, आंध्र प्रदेश से तेलंगाना बन गया, तो आपका तेलंगाना में वर्तमान में पोचमपल्ली है, ठीक है। तो एग्ज़ाम में आएगा तेलंगाना लगाएंगे। अगला बढ़ेंगे, क्या है अगला क्वेश्चन, देखिए क्या है दोस्तों, निम्नलिखित स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़िए। दिए गए स्टेटमेंट को आपको पढ़ना है और देखना है। EVS पाठ्यक्रम को 6 थीम में बांटा गया, बिल्कुल, मैं थीम का ऑलरेडी वीडियो डाल चुका हूँ चैनल पे। कौन कौन सी थीम है, पानी, आपसी संबंध, भोजन, यातायात, आवास एवं वस्तुएँ कैसे कार्य करती हैं। तो दोस्तों इसमें सारी तो हैं, आपका पानी भी है, भोजन आपका, ट्रैवल भी है और शेल्टर भी है। वस्तुएं कैसे कार्य करती हैं ये वाला नहीं है आपका, थिंग्स वी मेक एंड डू है, यानी वस्तुएं कैसे, थिंग्स वी मेक एंड डू, चीज़ें कैसे करते और बनाते हैं, ठीक है। तो इसमें आपका वस्तुएं कैसे कार्य करती हैं ये वाली आपकी थीम नहीं है, और आपकी आपसी संबंध ये भी आपकी थीम नहीं है, क्योंकि थीम कौन सी है, फैमिली एंड फ्रेंड्स है, उसके अंदर आपका सब थीम आती हैं, जिसमें आपका रिश्तेदार और ये सब आते हैं, ठीक है। तो इसमें 6 थीम है, ये बात सही है, लेकिन यहाँ पे ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। EVS के थीम बच्चों के जीवन के बहुत करीब हैं, बिल्कुल परफेक्ट बात है। NCF 2005 द्वारा दोस्तों सुझाई गई थीम्स हैं, जिन आपकी 6 थीम सुझाई गई उस पर ही आपका EVS का सिलेबस डिपेंड है। तो कौन सा ऑप्शन आपका, केवल दो वाला स्टेटमेंट सही है, इसमें कौन सा है, दो वाला कौन सा है आपका, एक गलत है एवं दो सही है, कथन एक गलत है एवं कथन दो सही है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। बढ़ेंगे अगला, देखेंगे क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा समूह प्राथमिक स्तर पर यानी प्राइमरी लेवल पर EVS के थीमों को दर्शाता है। अब इसमें समूह देखना है, परिवार और मित्र, ठीक है, आपका परिवार और मित्र, फैमिली एंड फ्रेंड्स आ गया, यात्रा आपका है, ट्रेवल थीम, प्राकृतिक संसाधन, ये थीम नहीं है दोस्तों। अगला क्या, आवास, यात्रा, चीज़ें जो हम बनाते और करते हैं, यही वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। 6 थीम में से आपका ये थीम्स होती हैं, यहाँ मौसम, पानी, आपका मौसम कोई थीम नहीं होती, पदार्थ कोई थीम नहीं है, तो यहाँ जो आपका है बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला देखेंगे, अगला बहुत शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है, घरों के विषय में निम्नलिखित जो स्टेटमेंट दिए हैं इनको देखिए, क्या है। फर्स्ट आपका जो स्टेटमेंट है, लेह में 2 मंजिल समतल छतों के मकान होते हैं, इस तरीके से कुछ आपकी 2 मंजिल होंगी। निचली मंजिल पर जो है यानी फ्लोर पे आवश्यक चीज़ें और जानवर बांधे जाते हैं या रखे जाते हैं। हिमाचल प्रदेश में, पहला स्टेटमेंट कंप्लीट हो गया, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है आपका, NCERT में दिया है, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। हिमाचल प्रदेश में बांस के खंभों पर घर बनाए जाते हैं, बिल्कुल नहीं दोस्तों, क्या है, असम में बांस के खंभों पर घर बनाए जाते हैं, और उन बांस की जो ऊंचाई होती है 10 से 12 फीट ऊंचे होते हैं, फीट में अगर मीटर में आ जाए तो दोस्तों 3 से लगभग 3.5 मीटर तक होते हैं, इनके ऊपर घर बनाया जाता है। तो यहाँ बी स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा, ए सही है। अगला क्या है, राजस्थान के गाँवों के लोग कटीली झाड़ियों की छतों वाले मिट्टी के घरों में रहते हैं, बिल्कुल परफेक्ट आपका ऑप्शन है। अगला है, श्रीनगर यानी जम्मू कश्मीर के अधिकतर लोग हाउस बोटों में रहते हैं लेकिन अधिकतर लोग नहीं रहते हैं, तो ये भी आपका रॉन्ग हो जाएगा स्टेटमेंट, ए और सी, देखिएगा ए और सी कहाँ है, फोर्थ नंबर आपका ए और सी करेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है। अगला बढ़ेंगे दोस्तों, अगला क्या है, डॉक्टर मरीज में मलेरिया की पहचान के लिए खून जाँच कराने के लिए निर्देशित करते हैं, खून की जाँच से क्या पता चलेगा, उसमें मादा मच्छर के अंडों की उपस्थिति का पता चलेगा। एक चीज़ बताइए, मच्छर ने किसी को काटा
और डॉक्टर ने कहा जांच कराने के लिए, तो क्या मतलब तुरंत ही जैसे काटेगा वैसे अंडे फैल जाएंगे शरीर में? तो ये बात तो गलत सी लग रही है, ये बात गलत सी लग रही है, उसमें उपस्थित जीवाणुओं का पता चलेगा। बिल्कुल ये आपका सही है। मलेरिया नाम का भी एक मलेरिया टॉपिक आपका दिया गया है, चैप्टर है एनसीईआरटी में, ईवीएस में। तो आपका बी वाला क्या है, जीवाणुओं का पता चलेगा, बिल्कुल सही है। उसमें उपस्थित हीमोग्लोबिन, दोस्तों हीमोग्लोबिन का पता मलेरिया की जांच कराने का कोई मतलब नहीं, हीमोग्लोबिन पता लगाने के लिए। लौह तत्व यानी दोस्तों आपका आयरन का पता चलेगा, ये भी आपका गलत है। तो सही कौन सा है, बी स्टेटमेंट आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला बढ़ेंगे दोस्तों, अगला क्या है, घड़सी सर से संबंधित निम्नलिखित स्टेटमेंट में कौन सा सही नहीं है, और इस नहीं को बहुत हिसाब से आपको देखना है, क्योंकि यही नहीं आपका, आपको ऑप्शन पता होते हुए भी आप गलत कराते हैं इस नहीं के चक्कर में, तो नहीं बहुत कायदे से देखना है। या नौ तालाबों से जुड़ा है, बिल्कुल सही आपका, नौ तालाबों से जुड़ा है, और या तालाब आज भी प्रयोग में है, या दोस्तों आपका या ये वाला जो है ऑप्शन गलत हो जाएगा, ठीक है। ये आज प्रयोग में नहीं है, जैसलमेर के राजा घड़सी ने इसे बनवाया था, बिल्कुल सही है, या लगभग 650 साल पहले बनाया गया, ये भी आपका सही है, ठीक है। तो इसमें बी ऑप्शन आपका क्या है, कह रहा कौन सा सही नहीं है, ये आपके सही है, ये नहीं सही है, यानी जो नहीं सही है वही सही है, आपका सही नहीं पूछ रहा है, तो निगेटिव वाला देख लेंगे, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्या है, अगला आपका कह रहा है रवि एक गिलास में जल लेता है और उसमें साबुत नींबू यानी पूरा नींबू डाल देता है, फिर वह उस गिलास में बहुत सारा नमक डालता है, आधा चम्मच एक बार में, ऐसे करके बहुत सारा नमक डालता है। कुछ समय पश्चात उसने पाया कि नींबू जल के दो भागों में टूट गया, क्या टूट सकता है, नहीं टूट सकता है। बी वाला क्या है, आपका नींबू गिलास के बीचों बीच चला जाएगा, ये आपका इसमें अगर नींबू डाला जाए, नमक डाल दिया जाए, तो क्या बीचों बीच चला जाएगा, नहीं जाएगा, तो आपका ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। नींबू जल में डूब गया, ये भी आपका गलत हो जाएगा, नींबू जल में तैरने लगेगा, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब डी ऑप्शन है आपकी। आपने सुना मृत सागर में लोग डूबते नहीं हैं, क्योंकि उसमें नमक की मात्रा जो है लवणता ज़्यादा आपका पाया जाता है, तो उसमें डूबते नहीं तैरने वाले, तो इस तरीके से याद भी रखेंगे, नींबू जल में तैरने लगेगा। अगला स्टेटमेंट आपका, अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कह रहा नीचे दिए गए कथनों एक और दो पर विचार कीजिए। स्टेटमेंट फर्स्ट है, बोरा असम में उपयोग किए जाने वाले धान का एक सामान्य प्रकार है, बिल्कुल सही है आपका, बोरा असम में, बोरा जो है असम में उपयोग किया जाने वाला धान का एक टाइप है। स्टेटमेंट सेकंड कह रहा धान की खेती चिकनी मिट्टी में अच्छी होती है और इस फसल को प्रचुर यानी ज़्यादा मात्रा में पानी चाहिए होता है, बिल्कुल आपका दोनों स्टेटमेंट सही लग रहे हैं। देखिए यहाँ एक भी सही है और दो भी सही है, तो एक सही है परंतु दो गलत, ये भी आपका ये तो गलत हो जाएगा, एक और दो दोनों सही हैं, सी ऑप्शन सही हो जाएगा क्वेश्चन में। अगला देखेंगे दोस्तों क्या है, अगला आपका जोहर से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट सही है, सही उत्तर चुनिए। या आसपास के कुओं में जमीन का पानी इकट्ठा करता है, या नदियों से पानी इकट्ठा करता है, या समुदाय आधारित वर्षा जल संचयन प्रणाली है, या पानी से अशुद्धियों को फिल्टर करता है। तो जोहर दोस्तों, जोहर आपका क्या है, एक आपका वर्षा समुदाय आधारित वर्षा जल संचयन प्रणाली है, क्योंकि हम जानते हैं मरुस्थल आदि में जो है वर्षा कम होती है, तो वहाँ एक जोहर टाइप से एक तालाब टाइप से बना दिया जाता है आर्टिफिशियल, ताकि जो आपकी रेन हो, बारिश हो, उसका जल उसमें संचित हो जाए। तो यह दोस्तों क्या है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, या समुदाय आधारित वर्षा जल संचयन प्रणाली है। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि आपका सी टेट दिसंबर के लिए आपको धुआंधार प्रिपरेशन करनी है और जुड़ के अच्छे से अपना तैयार करना है चीज़ों को। अगला क्या, पक्षियों का अध्ययन करने वालों ने पाया कि पक्षियों के एक विशेष प्रजाति में नर पक्षी अपने घोंसले बनाते हैं, मादा पक्षी उन सभी घोंसलों को देखती है और उनमें से जो सबसे अच्छा लगता है उसमें ही वह अंडे देने का निश्चय करती है, इस पक्षी का क्या नाम है? तो इसमें दोस्तों क्या है, वीवर कलचड़ी शक्कर खोरा या दर्जन चिड़िया, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, वीवर पक्षी जो होता है उसके नर जो पक्षी होते हैं वो बहुत सारे घोंसले बनाते हैं, इस टाइप से आपके घोंसले बनाते हैं पेड़ पे, एनसीईआरटी में ये चीज़ दी है, इस टाइप से खूब घोंसले बनाते हैं और फिर मादा पक्षी उन सबको देखती है और जिसमें अच्छा लगता है जो घोंसला उसमें वो अंडे देने का निश्चय करती है, तो आपका क्या हो जाएगा,
वीवर पक्षी सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में लगभग 10 क्वेश्चन हमने किए हैं, अब आपको आपका स्कोर कितना रहा है, कितने क्वेश्चन आप सही कर पाए हैं ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, वीडियो लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नए क्वेश्चंस और नए वीडियो के साथ एक बार फिर से कल। जय हिंद, वंदे मातरम।